हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी वैसे दिन के 2 बज रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल ना मैं एडिटिंग कर रहा था और काफ़ी टाइम से ना मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आप सबको पता है, आजकल मैं अपनी सारी वीडियोस को शूट फ़ोन से ही करता हूँ, आईफोन से। आईफोन मैंने लिया था 64 GB, जिसमें मुझे आ रही है काफ़ी दिक्कत व्लॉग बनाने में। जो सारी फाइल्स हैं ना, मुझे ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, डिलीट करनी पड़ती है, क्योंकि मैं आजकल पूरा पूरा व्लॉग फ़ोन से बनाता हूँ। तो एकदम से जब भी मैं बीच में व्लॉग बनाता हूँ, नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी स्टोरेज फुल होगी। कुछ इंपॉर्टेंट शूट कर रहा हूँ और एकदम से नोटिफिकेशन आ जाए और वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाए, फिर डिलीट करो, देख के क्या डिलीट करना है क्या नहीं करना, सारे ब्लॉग की ऐसी तैसी हो जाती है। तो इसीलिए फ़िलहाल मैंने डिसीजन लिया कि मैं नया फ़ोन लूँगा जिसमें स्टोरेज सही हो, अराउंड 256 GB तो हो, ताकि मुझे शूटिंग में प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज शूट तो मैं आजकल आईफोन से ही करता हूँ, बिकॉज जिसकी क्वालिटी है ना मुझे इतनी मस्त लगती है, GoPro DSLR सबसे मस्त, मुझे मज़ा आता है इसमें यूज़ करने में। काफ़ी ईजी भी है, सिंपल, इस तरह से कहीं भी ब्लॉग बना लो। तो फिलहाल अभी हमने डिसीजन लिया सोच समझ के कि अभी हम जाने वाले हैं एप्पल स्टोर में और लेके आएंगे आईफोन 12, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स। कंपैरिजन करूँगा पहले जाके कैमरा, क्योंकि मैं कैमरे के लिए ही ले रहा हूँ। स्टोरेज तो चलो सब में मिल जाएगी, लेकिन कैमरा देखेंगे 12 का अच्छा है, 12 प्रो का या 12 प्रो मैक्स का, जो भी पसंद आएगा जाके ले लेंगे। तो अच्छा ही होगा, सबसे वाइड एंगल देखना है ना अपने। तो फिलहाल तो सारी फाइल ट्रांसफर करनी पड़ेगी ना, क्योंकि व्लॉग बनाना है। मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें। इसको मैं पर्सनली यूज कर लूंगा और उसको सिर्फ वीडियो के लिए यूज करूंगा। वीडियो के लिए देखो फोन ले रहा हूँ, लोग कैमरे लेते हैं, मैं वीडियो के लिए फोन ले रहा हूँ, क्योंकि काफी इजी टू यूज होता है। किस तरह से वो मैं आपको आने के बाद बताऊंगा। फिलहाल अभी चलते हैं, पहले लंच करते हैं, अभी भी स्कूल से आए। तो अब मैंने स्विच कर लिया आईफोन पे, मतलब इसकी तो फ्रंट कैमरा हो चाहे बैक हो, मतलब मजा आ जाता है, स्पेशली अगर व्लॉग्स बनाने तो। मम्मी जी, मैं हिसार जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ पता है? गुस्सा नहीं करोगे? आईफोन लेने फोन ला रहा है। हाँ मम्मी, यार स्टोरेज कम हो रही, इसलिए खराब हो गया। खराब नहीं हुआ, स्टोरेज कम हो रही। इससे पूछना, तेरे को क्या चीज चल रही है, दिला दे इसको। थोड़ा दिला रहा हूँ, अपने लिए ले रहा हूँ मैं तो। थोड़ी कह रही हूँ मैं, और चीज कह रही, कुछ कह रही हूँ बर्थडे के लिए। हाँ। अच्छा बर्थडे के लिए तो। हाँ क्या लेना है तेरे को, बताना जल्दी। इस समय मिल जाएगा जो तेरे को पसंद है, तेरे दिमाग में कोई बात है बता। तो गाइस बात ऐसी है, पीयूष का बर्थडे आने वाला है 2-3 दिन बाद। तो वैसे तो मेरा प्लान था कि इसको फोन दिलाने का, बट मम्मी जी ने मुझे समझाया कि अभी छोटा है, अभी उसको फोन दिलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तेरे को इतने सारे लोग देखते हैं, इतने बच्चे देखते हैं, तो क्या सीखेंगे, वो भी अपने पेरेंट्स से जिद करेंगे, ये करेंगे। हाँ मैं तो फिर मेरे दिमाग में बात है, मैंने कहा यार सही कह रही मम्मी, बिल्कुल सही कह रही है। इसको फोन दिलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है फिलहाल अभी तो। वैसे भी चलाता हूं तो मैं बड़े में का थोड़ा बहुत, एक आधा घंटा कभी लेता है तो मेरा ले लेता है, मैं मना थोड़ी करती हूं ना बेटा। तो और इसको दिला दे जो लेता है। तो फिलहाल पीयूष को कुछ और दिला देंगे और मैं जाता हूँ अपने लिए लेने के लिए। आज तेरे को वो मिलेगी, मतलब तू मांग ले, ठीक है? फोन देंगे हम, ठीक है? मस्त लग रहे हैं यार, कल लिए थे जो सर जी एक्सपोर्ट मेरे हुए खाते हुए दाओ ना इधर, चप्पर चप्पर खाए जा। कितने लोग जा रहे हैं? पूरे 5 हो गए। ओरियो भी है, पूरे 6 हैं, मतलब एक आईफोन लेने के लिए पूरे 6 लोग जा रहे हैं। ओरियो कह रहा है मुझे बांध दो। सामने नवीन भी है, चलेगा क्या? हाँ। चलेगा, चल बैठ जा फिर। एक जना और एक्स्ट्रा हो गया है, एक आईफोन लेने के लिए हम 7 लोग जा रहे हैं साथ में। तो गाइस ये देखो ओरियो, अरे ओलू, ये देखो यहाँ पर चढ़ के आराम से देख रहे हैं आगे का व्यू, हम एंजॉय कर रहे हैं। ओरियो की फेवरेट जगह है, यहाँ से दिखता है ये। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां से हम लेने वाले हैं आईफोन। तो ये सभी आईफोन, इनमें से हमको एक चूज करना है कैमरे के हिसाब से। तो ओरियो को बाहर ले आए। आईफोन 12 है, 12 प्रो है, 12 ओए कहां जा रहा है तू, 12 प्रो मैक्स है। तो मेरे को ज्यादा फर्क नहीं लग रहा कैमरे में, तो 12 ही ले लेता हूँ, सबसे नीचे वाला 12, लेकिन 256 GB ले लेता हूँ, सबसे ज्यादा स्टोरेज वाला। थोड़ी रेड रेड, ना ना रेड नहीं, रेड तो नहीं भाई। कौन सा कलर बता, आप बताओ। नहीं गोल्डन भी नहीं, मेरे को ब्लू पसंद आया है। जो पसंद है वो लो। नहीं पापा जी सही कह रहे हैं, जो तेरे को पसंद है वो ले। हाँ सारे अपनी अपनी छाट रहे हैं, पापा जी कह रहे हैं जो तेरे को पसंद है। बहुत बढ़िया। और यो ये तो वाइट ही कहेगा, ये खुद भी वाइट है। तो अभी हम एक दुविधा में फंस गए हैं, इनके पास आईफोन 12 है बट वो 128 है, 256 नहीं है। तो कह रहे 12 प्रो ले लो, जो कि मुझे पड़ेगा 1,40,000, 1,30,000, 30,000, 1,30,000 रुपये का फ़ोन। तो मैं मतलब भाई ले, अब
लेना तो पड़ेगा एक बार, लेना तो है। तो अभी सोच रहे हैं क्या करना है। अबा जी वो वाला तो मिल नहीं रहा, आईफोन 12 प्रो कह रहे हैं वो 1,30,000 का। और वो कितने का था? वो था 95 का, 40 का फर्क हो गया लगा लो। क्या करूँ बताओ अबा जी, ले आऊँ 12 प्रो? चलो देखी जाएगी, ले लेते हैं। अब क्या करें, प्रो ही दे दो, 256 GB दे दो। इसमें और कौन कौन से कलर हैं? ग्रेफाइट कौन सा है ये? तो गाइस ये वाला है एक तो कलर, एक गोल्डन है और एक ब्लू है। तो मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है वैसे तो। बताइए कैसे? देखते हैं ये या ब्लू, इन दोनों में से एक। ठीक है मेरे को ये वाला दो, ये वाला ठीक है। रहने दे तू। वैसे ये फोन इसको मिलता बट मम्मी ने मना कर दिया। वैसे एक बार तो अनबॉक्स हो चुका है बट पीयूष फिर भी करेगा। ऐसे नहीं है ना? हाँ जी यार, ये अंदर क्या कर रहे हैं? ले तो लिया फोन, यूसी आजा, ले लिया। हाँ अनबॉक्सिंग, वो गार्ड गुड लगाया ना, इंश्योरेंस करा ले 2 साल का। कितने का पड़ा पता है? इंश्योरेंस तो करवा लिया बिकॉज टूटता फूटता रहेगा, क्योंकि वीडियो के लिए लिया मैंने मेन, तो अराउंड 20 का करके 1.5 का पड़ गया, 1.5 लाख का फोन दिखाइयो। और इसमें ना ही अडेप्टर है, चार्जर कुछ नहीं है, केबल सी दे रखी है बस। किसको बता रहे हो ए? चलो अब चलाएंगे सोनू भैया, अब हम पीछे बैठ के जाएंगे भाई। तो 1.5 लाख का फटका लग चुका है और अब हम जा रहे हैं पीएलए। परसों बाबा जी कपड़े लेके आए थे ना, उसमें थोड़े बहुत चेंज करवाने, मम्मी जी को थोड़े पसंद नहीं आए। फोन कहाँ है? फोन दे दे मेरे वो कहाँ को आप देख रहे हो उसके? हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। दे दे। चलो अब इसको स्विच करते हैं। तो अब ये स्टार्ट होने के लिए बहुत सारी चीजें मांग रहे हैं, वाईफाई वगैरह, तो वो घर जाके ही हो पाएंगे। फिलहाल इससे व्लॉग नहीं कर पाएंगे, घर पे ही करेंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, ये वाली शॉप थी। पापा जी चेंज करा लो जल्दी जल्दी अब। तो अभी ये बच्चे आए थे मिलने के लिए और इन्होंने पीयूष को रंग दिया। पीयूष इधर दिखा, ये रंग दिया, मेरे को भी रंग दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं यार, ओरियो के ऊपर गिर जाएगा। चेंज करा ली पापा जी, सही स्वैग में। पापा जी कैसे आए थे और क्या बन के जा रहे हैं? जवानी छा रहे पापा जी मैंने। तो फाइनली गाइस मैंने सेटअप कर लिया आईफोन 12 प्रो पे और अभी उसे शूट हो रहा है। तो कमेंट कर बताना कैसी क्वालिटी आ रही है, मेरे को तो मस्त लग रही है। वाइड एंगल दिखाता हूँ, वाइड एंगल। तो ये है वाइड एंगल बैक कैमरे से, जो कि मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ अपनी वीडियोस में। तो देख लो है ना मस्त। कैसा लग रहा है पीसी? आईफोन 12 ये 3 कैमरे। अब से हमारी सारी वीडियोस इसी पे शूट होंगी। और जो ये पुराना वाला है आईफोन 11, ये मेरा पर्सनल फोन बन गया। एक्चुअली सीन ऐसा था ना मेरे पास, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, बीच में कभी किसी का मैसेज आ गया, कभी व्हाट्सएप पे, कभी अर्जेंट कॉल आ गई, तो वीडियो बनाना बंद करना पड़ता था। तो पीसी क्या कहना चाहोगे? आज हमने 12 प्रो मैक्स लिया है, आईफोन 11 मेरा, 12 मेरा, 11 तेरा। मेरी यूट्यूब बनी दो, मेरी डैडी दो, मैंने इतनी बेरोजगारी करी। बेरोजगार ओरियो 3 कैमरे दिखा रहे हो, थोड़ा शो ऑफ तो बनता है। भाई ओरियो कहीं भी जाओ, ओरियो आजकल साथ में घूमता है, इसको मजा आ रहा है ना, इसको आदत होगी शायद गाड़ी की। ओरियो जल्दी, अरे कहाँ जा रहे है? भाग गया पीछे। तो भी हम घर पहुंच के गाड़ी पार्क कर दिया, बट घर पे कोई नहीं, मम्मी सत्संग वगैरह में गई है। और जो भी हो भाई, मेरे आईफोन से ज्यादा तो आप चमक रहे हो। मम्मी जी हम इतनी देर से बाहर खड़े हैं, चाबी ढूंढ रहे हैं। फोन कर लेते हैं, फोन ले गई थी, मैं तो बैठ गई हूं थोड़ी देर। मम्मी दूध लेने गई थी। चलो अरे यार बेचारे का पॉपट हो गया। क्यों क्यों फोन दिखा रहे थे ऐसे बड़े में? फोन नहीं दिखा रहा, ये फोन नया कैसा लग रहा है? आईफोन आ गया, इसका ग्लास तो हमने वहीं से लगवा लिया था, अच्छा कवर लेके आते हैं मेन तो कवर। तो आज मैं स्कूटी पे आया था, पहुंच भी गए हम, मजा आ रहा है राइड करने में। यहाँ से लेते कवर, ये वाला तो सबको पसंद आता है, मेरे को तो ये ठीक लग रहा है, फिर भी अच्छा तो ये लगता है ज्यादा ना। हाँ यही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हमको ओरियो का खाना भी लेना था, इसलिए हम आए, कवर भी ले लिया। स्कूटी में भी अलग ही फील आता है। सो ये वाला कवर मैंने लिया है, जो कि ऑलमोस्ट पहले जैसा ही है, सेम है। और ये फ़ोन थोड़ा छोटा है 11 थोड़ा बड़ा है। देखो बाय द वे, चलो जो भी है फाइनली आ ही गया, बट मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने सही किया या नहीं किया लेके, मिक्स फीलिंग आ रही है। बट जो भी हो, मेरे को बेस्ट फीलिंग तब आई थी जब मेरे को फर्स्ट टाइम फ़ोन मिला था ना, पापा जी ने दिलाया था 7,000 रुपये का माइक्रोमैक्स का, उस टाइम पे मुझे बहुत बेस्ट फीलिंग आई थी। अभी उतना कुछ ज्यादा फील नहीं हो रहा, हाँ लेना था ले लिया, बट जब पापा जी ने दिलाया था ना तब अलग फीलिंग आई थी। अब तो चलो हाँ खुद अर्न कर रहे हैं तो ले सकते हैं, बट जो पेरेंट्स वाली फीलिंग था ना वो तो अलग ही थी। फिर चाहे वो कोई छोटी चीज़ भी हो, उसमें भी इतना अच्छा फील होता था, आज मुझे ये लेके भी वैसा फील नहीं हो रहा। सो हाँ जस्ट आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू माई मॉम एंड डैड,
जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, आज यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। और अभी रात के 12 बज चुके हैं, अभी तक एडिटिंग ही कर रहा था जो कि कंप्लीट हो चुकी है, तो सोचा व्लॉग एंड कर देते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और ये मत सोचना कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आपको नहीं पता मुझे अंदर से कैसा फील हो रहा है, मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, बट हाँ जो भी है थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाने की और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको पसंद आता होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमने गाड़ी ढक दी, पापा जी का फोन गाड़ी में रह गया। सुन एक काम कर, आईफोन का डब्बा भी अंदर ही पड़ा है, वो भी ले आई हो, आगे वाली सीट पे है। किसमें? इसमें नीचे उसमें, हाँ इसमें है, दे। वैसे इसमें कुछ है नहीं इसमें सिर्फ केबल है। A damn.